तो पॉलिटिकल तलवार है तो एक बार कह दीजिए कि जो दम वाली बात मैंने कही, सवाल पूछ रहा हूँ और ये क्लिप ज़रूर वायरल होगा। आपने कहा कि अगर दम है, क्या मैं सच समझ रहा हूँ, क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ कि आपने कहा है कि राहुल गांधी में दम है तो मेरे से लड़के दिखाए अगली बार? मैंने कहा ना, अगर दम है तो ऐसी जगह से लड़के दिखाए जो उनका पारिवारिक गढ़ नहीं है। कोई भी साधारण बीजेपी के कार्यकर्ता से लड़के दिखाए, अपनी गली में तो शेर होना आसान है। बड़ौदा से लड़के दिखाए, गांधीनगर से लड़के दिखाए, लखनऊ से लड़के दिखाए, बनारस से लड़के दिखाए, और अमेठी से? अमेठी से लड़के दिखाए, कश्मीर से लड़के दिखाते, दम नहीं है। उन्होंने वो जगह चुनी जहां उन्हें लगा कि गरीब को और गरीब रखेंगे, पिछड़े को और पिछड़ा रखेंगे। उनकी मजबूरी पर उन्होंने अपना पॉलिटिकल महल बनाया, ये उनकी हकीकत है, इससे वो कभी मुंह नहीं फेर सकते जी। स्मृति ईरानी जी, आज बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। पीपल हैव रियली एंजॉयड दिस इंटरेक्शन और लोग आपको और जोर से पॉलिटिक्स में देखना चाहते हैं, कैंपेन ट्रेल में, पॉलिटिक्स में और पब्लिक लाइफ में। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर स्मृति ईरानी प्लीज। स्मृति ईरानी जी, कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं इतना ही कहूंगी, हाँ, कि अर्नब जी, आज मुझे जिस बात का सबसे बड़ा दुख है, और मैं दुख सार्वजनिक कहती हूँ, मेरे देश की मीडिया प्रणाली पर एक विदेशी ताकत ने सार्वजनिक प्रहार किया है। प्रधानमंत्री सरकार ने अपना रुख बता दिया, विपक्ष लेकिन चुप है। उन्होंने आज तक मेरे लोकतंत्र में, मेरे इलेक्शन कमीशन को, देश की अर्थव्यवस्था को, देश की जुडिशरी को कटघरे में करा जी। द फोर्थ पिलर, द फोर्थ स्टेट इज अंडर अटैक एंड द ऑपोजिशन इज साइलेंट अबाउट इट। उस पर मैं कुछ कहूँ? बोलिए। अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़े, ये कैनेडा की सरकारी रिपोर्ट है, फॉरेन इंटरफेरेंस, उन्होंने वहाँ पे 6 बार रिपब्लिक नेटवर्क का नाम लिया है। और बड़ी बात यह है, उन्होंने ये माना है वहाँ पे कि हमारी जितनी नेटवर्क है, CBC, CBS, पता नहीं कितने कैनेडा के ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, वो कह रहे हैं हम इतने छोटे हैं और भारत का एक ऐसा नेटवर्क है, हम सब लोग मिल जाएं फिर भी उससे छोटे हैं। तो मैं भी कहूँगा उनमें दम नहीं है हमारे खिलाफ बोलने के लिए। धन्यवाद। इतना ही कहूँगी that you have done the Republic of India proud. Thank you. That Thank the Republic you. resonates. Thank you, Smriti ji. It's a pleasure to talk to you. Bada maza aaya. Thank you very much. Beautiful session. Thank you.